नमस्कार, मैं योगेश दार और आप देख रहे हैं जेएनयू छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की। जांजगीर जिले की बलौदा पुलिस ने लूट के मामले को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 28,000 रुपए नकदी रकम और वारदात में उपयोग किए गए बाइक को जब्त कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं। सभी के खिलाफ पुलिस द्वारा जरूरी कार्रवाई की जा रही है। बलौदा थाना क्षेत्र की यह घटना है और प्रार्थी अमन नायक के द्वारा यह अपराध पंजीबद्ध कराया गया था कि बछौद में उसके मित्र और उसके साथ में 4 अज्ञात लोगों के द्वारा जो मोटरसाइकिल और स्कूटी में बैठकर आए थे के द्वारा 30,000 रुपये, एक रेडमी का मोबाइल और एक बैग जिसमें उनके आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं उसको लूट कर ले गए हैं। कि रिपोर्ट पर बलौदा थाना में अपराध क्रमांक 502/21 धारा 392-395 का अपराध कायम किया गया था। मुखबिर के सूचना के आधार पर सर्वप्रथम इसमें आकाश राठौर नामक व्यक्ति की सिवनी से गिरफ्तारी की गई। उसे पूछताछ करने पर उसने जुर्म करना कबूल किया और साथ में उसने यह बताया कि उसके 2 और मित्र राजा राठौर और कोमल सूर्यवंशी सहित 2 अपचारी बालकों के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। कि सूचना पूछताछ पर आने पर पुलिस के द्वारा बाकी आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा भी घटना को करना स्वीकार किया गया और इन आरोपियों से लूटे गए पूरा 30,000 रुपये की राशि, रेडमी के मोबाइल और एक काले रंग के बैग को सीज किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और स्कूटी को भी सीज किया गया है और इनको विधिवत रिमांड पर भेजा गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।